नए अंदाज में लेकर 10 सवाल और आप हाजिर हुए हैं। 10 सवालों का देकर सही जवाब बनने के लिए टास्क थारी, तो देर नहीं कराएंगे, बिल्कुल भी आपका इंतजार ज्यादा नहीं करवाएंगे, इंतजार खत्म करेंगे और आपके सामने रखेंगे आज के 10 सवाल। लेकिन 10 सवालों को रखने से पहले आपको रिवाइज भी करवाएंगे कल की मुरली को, ताकि ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते चले और पीछे का सब कुछ भूलते चले। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए हम जरूर करेंगे कल की मुरली को रिवाइज। कल की मुरली थी 24/9/21, 24 सितंबर 2021 को बाबा ने मीठी मुरली सुनाई हमें। कहा, तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो इस बात का क्या नशा है कि हमारा एडमिशन कौन से यूनिवर्सिटी में हुआ है? क्या हम भूल जाते हैं कि हम कौन से स्टूडेंट हैं? कैसे बने प्रिंस बनने की कॉलेज है ये प्रिंस बनने की, जो सिर्फ संगम पर एक बार ही ओपन होती है और उसमें एडमिशन लेने वाले महान भाग्यवान होते हैं। जैसे IIT NIT की सीट्स बहुत थोड़ी सी होती है, अगर उसमें किसी का एडमिशन हो जाता तो कितने नशे में रहते हैं। और ये कौन से स्कूल और यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन होता है? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, ईश्वरीय स्कूल में हमारा दाखिला हुआ है, जहाँ पर हम अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे तो हम श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बन सकते हैं। तो अपने आप को पहले ही दीजिए मुबारकबाद कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वह। बाबा साथ ही साथ कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें जो है हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है, क्योंकि अगर रहना चाहते हो सुखी दुखी संसार में तो साक्षी भाव को धारण कर लो। साथ ही साथ बाबा कहते, अलौकिक अलौकिक और लौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है, ये नहीं कि पूरा लौकिकता में या फिर पूरा अलौकिक नहीं, दोनों का बैलेंस रखेंगे तो जीवन खुशहाल रहेगा। साथ ही साथ बाबा कहते, लौकिक से तो बहुत ही युक्त चलना है। बाबा कहते, इस अंतिम जन्म में भी ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाने से पावन बनो, कोई भी बंधन नहीं बनाओ, ना कर्म के बंधन, ना संबंधों में बंधन, कोई बंधन नहीं बनाना है, बनना है कर्मातीत, कर्म के बंधनों से होना है कम्प्लीटली मुक्त। तो कल की मुरली से तो मीठी मीठी शिक्षाएं तो हमने ले ली है, बारी आ गई है आज की मुरली से आपके सामने रखने की। 10 सवाल, हाँ जी 10 सवाल पूरे पूरे आपके सामने पेश होने वाले हैं। तो चलिए हम रखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, आज का वरदान पूरा कीजिए। पहला ही प्रश्न वरदान से है, तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले डैश, चार ऑप्शन। ऑप्शन ए दानी महादानी भव, ऑप्शन बी सुख स्वरूप आत्मा भव, ऑप्शन सी पुण्य आत्मा भव, ऑप्शन डी श्रेष्ठ योगी भव। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहले ही प्रश्न आया है, बता दीजिए इसका सवाल सही जवाब और ले जाइए 10 पॉइंट। देरी किस बात की? वक्त समाप्त हुआ, चलिए बताते हैं सही जवाब, पुण्य आत्मा भवा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, क्योंकि दिया है बिल्कुल आपने सही जवाब। अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो, नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजा, उसके ऊपर शिव बाबा, तो किसकी स्मृति सहज रहेगी? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वराज्य की, ऑप्शन बी मोक्ष की, ऑप्शन सी स्वधर्म की, ऑप्शन डी वर्षे की। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए इतना प्यारा प्रश्न आया है, इसका तो बताइए सही जवाब और ले जाइए दिल की दुआएं, भगवान का आशीर्वाद, और 10 पॉइंट्स तो है ही आपके लिए। वक्त समाप्त हो चला है, चलिए बताते हैं सही जवाब, ऑप्शन बी एम ऑब्जेक्ट की। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, ढेरों ढेर बधाइयाँ, क्योंकि दे दिया है आपने बिल्कुल सही जवाब और आप जीत चुके हैं
10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारकें तो ले ली। चलिए मीठी मुरली को करते हैं फिर से प्यार से रिवाइज। बाबा कहते तुम्हारा भी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ठंडे ठंडे होकर भाषण नहीं करना चाहिए, बड़े उमंग उत्साह में आकर भाषण करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा ईश्वरीय न्यू ब्लड है। अब हमारे अंदर कौन सा ब्लड है? ईश्वरीय न्यू ब्लड है, जिसलिए हमें इसलिए बहुत मस्ती में रहना है। वो नशा औरों को दिखाई देना चाहिए कि हम ईश्वरीय नशे में मस्त है, एकदम वो नशे से भाषण करना है, अथॉरिटी से भाषण करना है, नशे में भाषण करना है। तो बहुत मीठी सी शिक्षा ली, बढ़ते आगे रखते तीसरा प्रश्न। प्रश्न है बच्चे जानते हैं, अब हमारे पास काल नहीं आ सकता, यहाँ बैठे हैं, हमारी इमेज ऑब्जेक्ट क्या बनने की है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए नरसे नारायण, ऑप्शन बी तमो प्रधान से सतो प्रधान, ऑप्शन सी मनुष्य से देवता, ऑप्शन डी प्रिंस प्रिंसेस है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताना है आपको इसका सही जवाब और ले जाना है 10 पॉइंट्स, ताकि आपके पॉइंट्स भरपूर हो जाए और आप जीत जाए आज टास्क। चलिए बताते सही जवाब, मनुष्य से देवता। तो फिर एक बार बधाई हो और बधाई हो, ढेरों ढेर मुबारकें आप सभी को कि आपने इसका भी दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर दिया है कमाल ही कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए बढ़ते आगे रखते चौथा प्रश्न। प्रश्न है ये दुनिया तो खलास होने की है, हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर कौन ही होगा? दूसरा तो कोई पढ़ा ना सके। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए विश्व का रचयिता, ऑप्शन बी सर्वशक्तिवान बाप, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी कल्याणकारी बाप है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखते देखते हम 40% खेल पर आ पहुंचे हैं, कितने फटाफट आपने दिया है सही जवाब और कर दिया है कमाल। वक्त समाप्त हुआ जी, और वक्त आपको नहीं दे सकते, 15 सेकंड ही मिलते हैं। चलिए बताते सही जवाब, ऑप्शन ए विश्व का रचयिता। तो फिर एक बार बधाई हो, आपने कर दिया है कमाल, जीत लिए हैं आपने 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो बधाई हो जी, बधाई हो। अब बढ़ते आगे, बाबा कहते हैं तुम्हें अपने एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे उसके लिए क्या युक्ति अपनाना चाहिए? तो उसका उत्तर बाबा ने बताया, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो, नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा, तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में पासपोर्ट पड़ा रहे, जब तक माया का तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारे पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। अगर हर वक्त ये स्मृति रहे तो कहाँ जाना है, क्या बनने वाले, अगर कुछ भी गलती करें तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे किसी को विलायत जाना हो, फौरन कोई जाना चाहता है, और अगर कहीं पे गड़बड़ हो जाए, थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए तो उनका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, उनका पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें भी इस बात पे रखना है हर वक्त अटेंशन कि अभी सत्युगी पासपोर्ट हमारा बना रहे और हम बड़े ही प्यार से सत्युग में चले जाएं। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है अपने हर कर्म पे, अपनी स्थिति पे, अपने संकल्पों पे, अपनी भावनाओं पे, सब श्रेष्ठ हो सत्ता के, बहुत ही प्यार से सत्युग में जा सके। तो मुरली से मीठी शिक्षा ले लिया, बढ़ते आगे रखते पाँचवा प्रश्न। प्रश्न है कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे, भक्ति का फल क्या है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए वैकुंठ की बादशाही, ऑप्शन बी संतुष्टता, ऑप्शन सी मुक्ति जीवन मुक्ति, ऑप्शन डी सदगति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए कितना प्यारा प्रश्न आया था और वक्त भी अब समाप्त हो गया। चलिए बता दें सही जवाब, ऑप्शन डी सदगति। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो,
50% खेल बहुत ही प्यार से खेला है। आप सभी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर दिया है फिर एक बार कमाल। और अगर लगातार 5 प्रश्नों का देकर सही जवाब 50 पॉइंट से संपन्न है आप, तो आपके लिए बस 3 प्रश्नों की दूरी है फिर ताज आपका हो जाएगा। पर उससे पहले थोड़ा धैर्य रखिए और मुरली को करे रिवाइज। बाबा कहते हैं हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है, सत्यु की राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तदबीर करनी है। हम कैसे सच्चा मान दे सकते हैं दूसरों को? किसी भी आत्मा का संस्कार देखते हुए हमारे मन में उसके लिए शुभ भावना बनी रहे, यही है सच्ची सच्चा मान देना, उस आत्मा के प्रति रिस्पेक्ट रखना। इसी को कहते हैं सच्चा रूहानी प्रेम और सच्ची सच्ची रिस्पेक्ट। तो इसलिए रखना है ख्याल कि हमारे मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना बनी रहे। साथ ही साथ बाबा कहते हैं आत्मभिमानी बनने की मेहनत करनी, मानव मत छोड़े कि मुसीबत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। मानव मत ही तो आज तक हमें जो है गिराती आई, हमें पतित बनाती आई, इसलिए रखिए ख्याल और चलिए सिर्फ श्रीमत पर। श्रीमत पर चलेंगे तो सदा ही श्रेष्ठ बनेंगे। तो मुरली से मीठी मीठी शिक्षाएं तो ले ली है, अब चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न है अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं, जिनको पता ही नहीं वे ऐसे रिस्पॉन्स दे ना सके, बच्चों को किसका बहुत नशा रहना चाहिए? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए पढ़ाई का, ऑप्शन बी बाप की याद का, ऑप्शन सी पद का, ऑप्शन डी अविनाशी ज्ञान रत्नों का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छठवां प्रश्न आ चुका है, बताना है आपको इसका भी सही जवाब और ले जाना है 10 पॉइंट्स। टाइम्स अप। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत आप सभी को मुबारक जी, मुबारक ढेरों ढेर मुबारक है। चलिए पढ़ेंगे आगे, रखेंगे 7वां प्रश्न। प्रश्न चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे हमको सिखलाने वाला है कौन है? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए ज्ञान सूर्य बाप, ऑप्शन बी शिव बाबा, ऑप्शन सी सुप्रीम टीचर, ऑप्शन डी भगवान है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7वां प्रश्न आया है, इसका भी दीजिए सही जवाब। बताना है आपको सही जवाब और ले जाना है 10 पॉइंट्स। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन बी शिव बाबा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, फिर एक बार बधाइयां आप सभी को, क्योंकि आपने दे दिया है इसका भी सही जवाब और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अगर 70 पॉइंट्स है आपके पास तो अब रखते हैं 8वां प्रश्न ताकि आप बन जाए ताजधारी। प्रश्न है तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं, अपने को सदैव कैसे रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए बेफिक्र बादशाह, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी हर्षित मुख, ऑप्शन डी निर्विकारी। एंड जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए इसका भी सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन सी हर्षित मुख। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि आपने इस प्रश्न का तो दिया है सही जवाब, इसलिए 10 पॉइंट जीते हैं आपने। और साथ ही साथ अगर 80 पॉइंट से संपन्न हो गए तो सिल्वर क्राउन है आपके लिए, ले जाइए आपके लिए है और सज जाइए ताज से और बन जाइए ताज हारी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और रिवाइज कर लेंगे मुरली को। बाबा कहते हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। अगर हम बनना चाहते हैं एवर रेडी तो हमें हर घड़ी अंतिम घड़ी समझनी पड़ेगी, ताकि आलस से अलबेलापन बार ना कर सके और हम अलर्ट होके करें पुरुषार्थ और सदा रहे माया जीत एवर रेडी आत्मा। अब बढ़ते आगे, रखते 9वां प्रश्न। प्रश्न है ये है सदगति अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर किस में आते? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए साकार वतन में, ऑप्शन बी संगम में, ऑप्शन सी कृष्णपुरी में, ऑप्शन डी टोकी धाम में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए 9वां प्रश्न आ गया है,
90% खेल पर आ पहुंचे इसका दीजिएंगे सही जवाब। फिर आएगा एक और प्रश्न और उसके बाद तो आप मास्टर मुरलीधर बन सकते हैं। तो बताइए सही जवाब बताइए और ले जाइए आज तो ताज आपके साथ। हमारे पास रहता तो हमें अच्छा नहीं लगता, आप ले जाते तो ही अच्छा है। चलिए वक्त तो समाप्त हो गया, बता देते सही जवाब ऑप्शन डी टॉकी धाम में। तो टॉकी धाम बताने वाले सही जवाब बताने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन के हकदार हैं आप, तो मुबारक हो जी मुबारक हो। चलिए बढ़ेंगे आगे, रखेंगे अंतिम प्रश्न यानी 10वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है आत्मानी बनने की मेहनत करनी है कौन सी मत छोड़े के श्रीमत पर चलना है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए आसुरी मत, ऑप्शन बी मानव मत, ऑप्शन सी रावण की मत, ऑप्शन डी मन मत है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप सभी को ढेरों ढेर बधाइयां कि दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर चुके हैं आपने कमाल, तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। 10 पॉइंट्स भी जीते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से अगर 8, 9 या 10 प्रश्नों का दिया है सही जवाब तो आप बनते हैं ताजधारी, तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए चलते उड़कर सूक्ष्म वतन, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनिए और 1 सेकंड में रवाना हो जाइए सूक्ष्म वतन के लिए। सभी सूक्ष्म वतन पहुंच जाएं, फील करें स्वयं बाबा और प्रकाशमणि दादी जी, दादी जानकी जी और दादी गुलजार हमारे सम्मुख हैं। बड़े ही प्यार से बाबा सभी को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से शक्तियां सब में समा रही हैं। शक्तियों से संपन्न होने के बाद अब हम देख रहे हैं कि 80 पॉइंट्स वाले भाई बहनों को दादी जानकी जी पहना रही हैं ताज, सिल्वर क्राउन। 90 पॉइंट से संपन्न होने वाले भाई बहनों को दादी गुलजार जी जो है पहना रही है क्राउन। अनुभव करें सभी। और मास्टर मुरलीधर बनने वाले भाई बहनों को दादी प्रकाशमणि जी पहना रही है ताज। फील करें सभी, इतना सुंदर वातावरण है इस वक्त, इतनी सुंदर अनुभव हो रहा है। सभी बन चुके हैं ताजधारी, दिल तक नशीन आत्माएं, तो बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो जी मुबारक हो। अब हमें दीजिए इजाजत, हम आपसे विदा लेते हैं, हम कल आपसे फिर मिलेंगे और आपको भरपूर करेंगे ज्ञान रत्नों से, दुआओं से। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिएगा और मुस्कान बांटते रहिएगा। अच्छा फिर मिलेंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।